नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, राजस्थान में भीषण गर्मी से पति पत्नी समेत 13 की मौत। राजस्थान में मंगलवार को भीषण गर्मी से 13 लोगों की जान चली गई। टोंक में पति पत्नी समेत 5 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 3 की चमड़ी धूप से झुलसी हुई थी। पाली में भी एक हेड कांस्टेबल अपने सरकारी मकान में अचेत मिला। बताया जा रहा है कि उसकी भी मौत गर्मी से हुई है। जयपुर में 22 साल का स्टूडेंट परीक्षा देकर जैसे ही कॉलेज से बाहर निकला तो बेहोश होकर गिर गया। उसे तुरंत मालवीय नगर के जयपुरिया हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लू और गर्मी से 6 दिन में अब तक 48 लोगों की जान गई है। नौतपा के चौथे दिन भी सूरज के तेवर पिछले दिनों की तरह ही तल्ख हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 20 जिलों में रेड अलर्ट, जबकि जयपुर समेत प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर में आंगनबाड़ी महिलाएं गर्मी से परेशान हैं। यहां जवाहर नगर के टीला नंबर 1 से 7 के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सिर्फ तिरपाल लगा है। आंगनबाड़ी की महिलाओं को इसी तिरपाल के नीचे बैठकर बच्चों को टीका लगाना पड़ता है, साथ ही रूटीन काम करना पड़ता है। पाकिस्तान से आए 40 लोगों को मिलेगी भारतीय नागरिकता। CAA कानून बनने के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अनूपगढ़ जिले में पहले चरण में कुल 40 पाक विस्थापितों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए हैं। इन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रशासन की ओर से गंगानगर डाकघर के अधीक्षक सीताराम खत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्य कमेटी बनाई गई है, जो पाक विस्थापित की ओर से नागरिकता पाने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों की जाँच कर रही है। अलवर में 20 फीट गहरे गड्ढे में फंसा मासूम भाई के साथ खेत पर नहा रहा। मासूम अचानक 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। कच्ची दीवार गिरने से हुए हादसे के बाद आसपास चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर मासूम के पिता मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। मौके पर राज्य आपदा प्रबंधन की टीम भी पहुंच गई थी। इस बीच असर खान नाम का युवक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नीचे उतरा और बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे को फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। घटना अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कनवाड़ा गांव में मंगलवार सुबह 11 बजे की है। शिक्षा मंत्री बोले, स्कूलों में टीचर की कमी इंग्लिश मीडियम बंद करने पर बोले, रिव्यू किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल पर कहा कि राज्य में अध्यापकों की कमी है। इसकी एक वजह ये भी है कि कई जगहों पर विद्यार्थियों की कमी के बावजूद अधिक शिक्षक लगा दिए गए हैं। प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर पूछे सवाल पर कहा, इसका रिव्यू किया जा रहा है, यदि इससे छात्रों को फायदा होगा तो आगे का कदम उठाया जाएगा। पूर्व विधायक बिधूड़ी सहित 3 लोगों पर केस चित्तौड़गढ़ के बेगू से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी के खिलाफ रिटायर्ड एडिशनल SP ने मामला दर्ज करवाया है। पूर्व विधायक सहित 3 लोगों के खिलाफ 3 साल पहले किडनैप करने की कोशिश और लूट का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया। यह मामला इस्तगासे के जरिए सोमवार रात को दर्ज किया गया। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि पूर्व विधायक बिधूड़ी और उनके साथियों ने मिलकर पीड़ित के जमीन पर चलते काम को रोका। अब तक नहीं बन पाया भंवरी देवी का डेथ सर्टिफिकेट। बहुचर्चित भंवरी कांड मामले में भंवरी देवी का डेथ सर्टिफिकेट का उसके बेटे 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। बिना डेथ सर्टिफिकेट के ANM भंवरी के बेटे उसकी पेंशन व सेवा का अन्य लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में भंवरी के बेटे की ओर से वकील ने उप निदेशक आर्थिक व सांख्यिकी जिला, रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु व तहसीलदार पीपाड़ सिटी को न्याय के लिए नोटिस जारी किया है। उदयपुर में फूड पॉइजनिंग से महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 22 लोगों का इलाज चल रहा है। सभी सगाई समारोह में खाना खाकर घर लौटे थे, अचानक तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल पहुंचे। मरीजों में वर वधू दोनों पक्ष के लोग हैं। पानी संकट पर जलदाय मंत्री बोले, भगवान से प्रार्थना करो समय से पहले बारिश आ जाए। राजस्थान में पानी के संकट पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, संभव नहीं। पानी तो जितना हमारे पास है वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जलदाय मंत्री चौधरी सोमवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जलदाय मंत्री ने कहा, जितना पानी हमारे पास है उतना हम दे रहे हैं। जनता से अपील है कि वह पानी की बचत करे। जितना बीसलपुर में पानी है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उतना 100% पानी जनता को दे रहे हैं। गहलोत बोले, पेयजल बिजली पर सर्वदलीय बैठक बुलाएं। CM प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच जल संकट को लेकर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के बयान पर पूर्व CM अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। गहलोत ने कहा, राजस्थान सरकार के पेयजल मंत्री का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और पानी की किल्लत से परेशान जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला है। एक मंत्री द्वारा ऐसी भाषा इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता।
देश का सबसे बड़ा जन औषधि केंद्र सवाई माधोपुर में मंगलवार को देश के सबसे बड़े जन औषधि केंद्र की औपचारिक शुरुआत हुई। सवाई माधोपुर के रणथंभौर सेविका अस्पताल के पास इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन 4 जून को आचार संहिता हटने के बाद किया जाएगा। जयपुर 6 साल बाद करेगा चेस टूर्नामेंट की मेजबानी। जयपुर 6 साल के अंतराल के बाद बहुप्रतिष्ठित फर्स्ट जयपुर ओपन क्लासिकल FIDI रेटिंग चेस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 29 मई से 2 जून तक जयपुर के दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे स्थिति होटल अमर पैलेस में होने जा रहा है। आज सोने चांदी के फिर बड़े दाम, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही मंदी का असर भारतीय बाजार पर नजर आने लगा है। मंगलवार को सोने और चांदी की कीमत में बड़ा उछाल आया। इसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 74,000 को पार कर गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 2,050 रुपए बढ़कर 95,200 पर पहुंच गई है। बुधवार से रोज हो सकेगी लहसुन की एंट्री। 12 शहर स्थित कृषि उपज मंडी में लहसुन की बंपर आवक होने के कारण नीलामी व्यवस्था पटरी पर नहीं पा रही है। व्यापारियों की ओर से सीमित मात्रा में ही लहसुन की खरीद की जा रही है। ऐसे में किसानों को भी नीलामी के इंतजार में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसको देखते हुए मंडी प्रशासन ने व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। अब मंडी में लहसुन की एंट्री नियमित कर दी है। ऐसे में किसानों को काफी राहत मिल सकेगी। कोटा में मिलेगी सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री कोचिंग। शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन व प्रतिभावान विद्यार्थियों के सपने पूरे करने के लिए गठित LN माहेश्वरी परमार्थ न्यास की ओर से शिक्षा संबल योजना शुरू की गई है। इसके तहत उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों के सरकारी विद्यालयों व विद्या भारतीय संस्थान के विद्यालयों के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग, आवास एवं भोजन की व्यवस्था दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5 जून तक अवकाश घोषित। झालावाड़ जिले में भीषण गर्मी और हीटवेव के बढ़ते प्रभाव के चलते आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले छोटे बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए विभाग ने आदेश जारी करते हुए 28 मई से अवकाश घोषित किया है। जिले में करीब 1,513 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। 30 जून को रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जुलाई का लाभ। राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें 1 जुलाई को होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को एक वार्षिक वृद्धि की गणना कर एरियर भी देने को कहा है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।